नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो के Z1 प्रो फ़ोन के बारे में। जी हां दोस्तों, इस फ़ोन में हमें एक नया अपडेट देखने को मिला है। दोस्तों जो अपडेट हमें देखने को मिला है, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, 3 GB से ऊपर का ये अपडेट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस अपडेट में दोस्तों हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है और क्या क्या चेंजेस हमें इस फ़ोन में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं इस अपडेट के बारे में ज़रूरी बात बताऊँगा, तो आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आप सभी मिस्टेक ना हो पाए। दोस्तों जो अपडेट है जी हमें कुछ दिन पहले मिला था, बट अभी दोस्तों मैंने अपने फ़ोन चेक किया तो मैंने देखा उसमें जो अपडेट पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस अपडेट का जो साइज है वो दोस्तों 3.16 GB का दोस्तों जो अपडेट है। अब दोस्तों इसका जो दोस्तों पंटस हुआ है सब वो हो जाएगा हमारा इस अपडेट को करने के बाद 7.70। दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इससे पहले हमारा फ़ोन चल रहा था दोस्तों 6.10 पे, बट दोस्तों अब हो जाएगा ये 7.70 पे। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें हमें क्या नया देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपका जो होम स्क्रीन सेंटर है उसमें दोस्तों आपको ऐप डॉट देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों आपका जो फ़ोन था पहले वो सिर्फ होम स्क्रीन में चल रहा था, सारी ऐप दोस्तों आपके होम स्क्रीन पर थी, बट जब इसे अपडेट कर लोगे तो आपके फ़ोन में ऐप डॉट आ जाएगा। सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों 1 अप्रैल का हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके दोस्तों जो डायनामिक इफेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा वीवो के फ़ोन में हमें हर एप्लीकेशन को डायनामिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसमें काफ़ी नई नई स्टाइल देखने को मिलेंगी। यानी दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी सिस्टम होते हैं वीवो के में, आईफोन जैसे, उनमें दोस्तों आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं इस अपडेट को करने के बाद। और साथ ही दोस्तों आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर भी आ सकता है इस अपडेट करने के बाद, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी अपडेट किया नहीं है। आप इसको करके देखो कि आपको इसमें और क्या नया देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों 3 GB काफ़ी बड़ी होती है और 3 GB का दोस्तों अपडेट दिया है कंपनी ने, तो आपको कुछ नया जरूर दिया होगा। और दोस्तों दूसरी बात कि वीवो के जो फ़ोन होते हैं उनमें हमें थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलती है नए अपडेटों करने के बाद। तो लास्ट अपडेट दोस्तों जो आया था उसके बाद कुछ काफ़ी यूजर दोस्तों ऐसे हैं वीवो Z1 प्रो के कि उन्हें थोड़ी बहुत लैगिंग देखने को मिली थी। और जब दोस्तों आप इस अपडेट को करोगे नए वाले को, तो आपकी पुरानी जो प्रॉब्लम है वो सारी फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी जब भी नया अपडेट देती है तो पुरानी जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों वो फिक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में कि अगर आपके पास वीवो Z1 प्रो है तो आप इस अपडेट को ज़रूर से कीजिए। 3 GB का दोस्तों अपडेट है, तो आप पता है मुझे कि 2 GB नेट मिलता है हर इंसान को, 2 GB से ज़्यादा दोस्तों डलवाते नहीं है, तो आप कैसे भी करके इस अपडेट को कर लो, आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।